नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास दवे और आपका स्वागत है आपके अपनी स्वदेशी बिजनेस आइडिया की यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हम हर बार आपके लिए नई नई बिजनेस आइडिया लेके आते रहते हैं। और आज आपके लिए एक शादी में यूज होने वाली चीज का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो में आज आपके लिए लेके आया हूँ। वो आपके आसपास में, ये तो शादी का सीजन है, उसमें तो आपकी बिक्री बहुत ही होगी, पर उसके सिवा भी ये जो चीज के बारे में, जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो चीज है आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे वो आपके आउट सीजन में भी बहुत ही चलने वाला है, क्योंकि वो कोई भी फेस्टिवल हो या तो कोई भी फंक्शन हो या तो ऐसे भी आपको वो बिकेगा मार्केट में। ऐसा एक बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आया हूँ जो आप आपके घर से भी शुरू कर सकते हो, आपके गांव या शहर से भी शुरू कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये बिजनेस आइडिया के बारे में और देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं पूरा वीडियो। जी दोस्तों, तो आज मैं जैसे आपको पहले बताया वैसे शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो उसके रिलेटेड एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ कि एक चीज आप बना सकते हो आपके घर से और उसको आप पैक करके मार्केट में बेच सकते हो और उसके शादी के सीजन में बहुत ही अच्छी बिक्री होगी। तो वो बिजनेस कौन सा है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो हुआ ही होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो बिजनेस है वो है मेहंदी का बिजनेस, जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है। वैसे मेहंदी का जो कौन होता है वो बनाने का बिजनेस, या तो आप पैकेट बना के, छोटे छोटे पैकेट बना के 250 ग्राम के, 100 ग्राम के या 500 ग्राम के पैकेट बना के भी मार्केट में बेच सकते हो। तो ये बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सा अगर मशीनरी आती है तो कौन सी मशीनरी लगेगी, आपको ये सेटअप कैसे कर सकते हो और इसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, उसके बारे में पूरा कवर स्टोरी में इसमें लेके आया हूँ पूरा ट्यूटोरियल वीडियो कि कैसे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो हम इसके रॉ मटेरियल से शुरू करते हो। तो अगर आपको ये मेहंदी का कौन मैंने आपको दिखाया है उसके बिजनेस चालू करना चाहते हो या तो उसका पैकिंग करके बेचना चाहते हो, तो उसमें रॉ मटेरियल के तौर पर पहली तो जो ड्राई मेहंदी रहती है वो लगती है मार्केट में। आपको ड्राई मेहंदी किलो के हिसाब से मिल जाएगी, वो आपके मार्केट के हिसाब से सभी जगह अलग अलग उसके रेट रहते हैं, तो मैं आपको रेट नहीं बता सकता हूँ, बट आपको किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो वो मार्केट के आपके आसपास से मार्केट पे आप ले सकते हो। उसके सिवा दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो इसका कॉर्न का जो पेपर आता है प्लास्टिक ये वाला, वो आपको लगेगा। या तो आप छोटे छोटे 100 ग्राम 200 ग्राम के पैक बना के बेचते हो तो ऐसे आपको एक पन्नी मिलेगी, वो पन्नी में भी आप फिल करके बेच सकते हो, ऊपर आपकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो। तो ये इसका रॉ मटेरियल की बात हुई। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से मशीनरी लगेगी। तो दो टाइप की मशीनरी मेनली लगती है। पहली मशीनरी जो है वो कॉर्न फिलअप मशीन, यानी कि आपका जो ये कॉर्न है उसमें मेहंदी आपको फिल करनी है तो वो फिल करने के लिए एक मशीनरी आती है। आप उसके सिवा आपको एक मशीन यहाँ सीलिंग मशीन दिख रहा है। अगर आप पाउच बना के बेचते हो 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम या 500 ग्राम के पाउच बना के आप मार्केट में बेचते हो तो उसको सील करने के लिए मशीनरी जो आती है वो आपको यहाँ पे उसका फोटो दिख रहा है, वैसी आप एक मशीनरी आपके घर पे लगा सकते हो। 800 से 1000 रुपए में वो आ जाएगी। उससे आप पहले जो पाउच है वो पाउच फिल करने लगेगा और उसके बाद में उस मशीन से सेल कर देने का और उस पे टैग आपका प्राइस लगा के मार्केट में आप बेच सकते हो। तो ये दो मशीनरी है, आप अपने हिसाब से लगा के आपका ये बिजनेस है वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि इसको आप कैसे और कहां से कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिजनेस है वो आप आपके घर से शुरू कर सकते हो। पहले आप छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो, स्मॉल बिजनेस से आप अपनी स्केल बढ़ाना चाहते हो, आप धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो, तो करीबन 5 से 7 किलो या 10 किलो मेहंदी, जो रो ड्राई मेहंदी आती है क्रश की हुई, वो आप ला सकते हो। उसको आपके घर पे लाके उसको भिगोना है, जो टेक्सचर के हिसाब से जो मेहंदी का रहता है वो आपको देख लेना है और उसके हिसाब से आपको उसको भिगोना है। भिगोने के बाद में आप 5 किलो जो मेहंदी है वो भिगो सकते हो और 5 किलो ड्राई मेहंदी रहती है, तो दो उसके पार्टीशन कर दिए, उसके बाद में भिगो दिया। भिगोने के बाद में जो कॉर्न का आपको मैंने आपको बताया कि उसका पाउच, इसका जो पाउच आता है ये प्लास्टिक पाउच, वैसे आपको मार्केट से खरीद लेना है और इसमें
जो भिगोया हुआ मेहंदी होगा वो आपको इसमें भर लेना है। करीबन मैंने जो सर्वे किया था और जो सर्च किया है, रिसर्च किया है, उसके हिसाब से मैंने देखा है कि ये कॉर्न है, आपको यहाँ पे उसकी प्राइस दिख रही होगी, 10 रुपए का कॉर्न है या आप ये, तो ये कॉर्न बनाने में करीबन 5 से 6 रुपए का ये कॉर्न बन जाता है। और आप मार्केट में इसको बेचते हो तो करीबन 8 से 8.5-9 रुपए में आप बेच सकते हो, और जो उसका दुकानदार होगा वो 10 रुपए में ग्राहक को देगा, तो उसको 1 रुपए का मुनाफा होगा, 1 से 1.5 रुपए का आपको एक कॉर्न पे मुनाफा होगा। उसके सिवा जो मैंने आपको बताया कि 5 किलो मेहंदी आपको ड्राई रखनी है, तो वो क्यों, तो मैंने आपको दूसरा एक तरीका बताया कि ऐसे जो पाउच आते हैं वो पाउच में आप फिलअप करके मार्केट में बेच सकते हो, तो उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम 500 ग्राम के आप पाउच बना सकते हो और वो फिल करके, मशीन से फिल करके आप मार्केट में बेच सकते हो। तो क्या है कि जो रो रहेगा ड्राई मेहंदी, उसको लोग अपने बाल में लगाने के लिए भी यूज करते हैं, जिससे बाल काले रहे, या तो मेहंदी का जो कलर आता है उसके हिसाब से कलरिंग करने के लिए भी वो रखते हैं, और दूसरा कि हाथ में लगाने के लिए वो आप खुद के घर से भी बना सके ऐसी मेहंदी भी वो लेते हैं, तो आप पाउच में पैक करके भी बेच सकते हो। तो दोनों तरीके से आप अपना ये बिजनेस है वो बिजनेस शुरू कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसका मार्केटिंग आप कहाँ करोगे, तो आपको आपका जो रो मटेरियल है वो रो मटेरियल तो आपको आपके घर के आसपास से मिल जाएगा, आपके जो मार्केट बड़ा मार्केट रहता है वहां से मिल जाएगा, और उसके बाद में आपने वो ला दिया, उसको बना दिया, पैकिंग कर दिया और सब कुछ करके आपने अपना पैक बना दिया है, तो उसमें जो ये पाउच रहते हैं, मैंने आपको बताए थे कि जो मेहंदी के कॉर्न रहते हैं ऐसे वाले, तो वो आप एक पैकेट में 10-10 या 12-12 कॉर्न लगा के उसको पैक कर सकते हो, और वो पैक कर दिया है, उसके बाद में आपको मार्केटिंग करनी है। तो क्या करना रहेगा, आपके आसपास में कोई भी खेले वाला हो, या तो किराना का दुकान वाला हो, कॉस्मेटिक्स वाला हो, या जो भी ये मेहंदी के कॉर्न रखता है या तो मेहंदी के पाउच रखता है, उसके पास में जाना है, उसको बताना है कि देख भाई मैं आपके गांव से या आपके शहर से आपके जिले से हूँ, मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और इस बिजनेस में मैं ये चीज बनाता हूँ, मेहंदी के कॉर्न बनाता हूँ, ऐसे पाउच बनाता हूँ, और ये बाल में लगाने वाले भी मेहंदी बनाता हूँ, तो एक बार आप ट्राई करिए और आपके जो कस्टमर है उसको दीजिए, तो उसको एक पैकेट या दो पैकेट आप दे सकते हो पहले, ऐसे जो आपका जो मुनाफा है मुनाफा कम करके भी दे सकते हो उसको ट्रायल के लिए, ऐसे आप अपने जो ग्राहक है यानी कि जो दुकानदार है उसको आपके साथ में इन्वॉल्व कर सकते हो, और धीरे धीरे जाके उनको आपका जो ब्रांडिंग है या पैकेजिंग है, आपका जो मटेरियल है, वो सब धीरे धीरे उनको रास आने लगेगा, पसंद आने लगेगा, तो वो आपके पास से अवश्य लेने वाले हैं। ऐसे आप दुकानदार हो, मॉल हो, कॉस्मेटिक्स की दुकान हो, कहीं भी जाके आप उनको ये बेच सकते हैं और उनको अपना कस्टमर बना सकते हैं, जिससे पहली बार आपको जाके अप्रोच करना रहेगा, उसके बाद में तो आपका मटेरियल उनको पसंद आ गया तो वो कॉल पे भी आपसे माल मंगवा लेंगे। तो ऐसे आपको मार्केटिंग करना है उसके उनके पास जाके, उनको ये समझाना है कि जो दूसरे मेहंदी है उसके सिवा आपकी मेहंदी है उसमें क्या फायदा है, और कैसे आप उसको सही से सही फायदा उसको भी हो सके, आपको भी हो सके, और जो उसके कस्टमर है यानी कि जो ग्राहक के ये मेहंदी यूज करेंगे उनको भी फायदा हो सके, और बहुत ही अच्छा मेहंदी का कलर आएगा, वो सब उसको समझाना है, और ऐसे आपको मार्केटिंग करनी रहती है। अब हम बात करते हैं मुनाफे की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर शहर के हिसाब से या तो जिले के हिसाब से या तो आपके आसपास के मार्केट के हिसाब से मेहंदी का जो प्राइस रेट है वो सब अलग अलग होता है, बट मैंने एक दूसरी चीज़ भी बताई कि अगर आपको ये मेहंदी का कॉर्न बनाना है तो इस पे रेट लिखा है 10 रुपये का, आप कोई भी दुकानदार होगे उसको 8-8.5 रुपये में दोगे और आपके घर पे 5 से 6 या 7 रुपये में बनता है, हम 6 रुपये के हिसाब से लेके चले, इसका जो पन्नी हो गया, अंदर आपने जो मेहंदी भर दी, उसके सिवा आपका ट्रांसपोर्टेशन कोर्स, आपका लेबर कोर्स, सब मिला के 6 रुपये में ये कॉर्न तैयार हो जाता है। और अगर आप मार्केट में जाके उसको 8 रुपये में भी बेचते हो, चलो 7.5 रुपये में बेचते हो, तो भी एक कॉर्न के पीछे आपका मुनाफा हुआ 1.5 रुपये, और आप एक पैकेट बनाओगे उसमें 10-10 कॉर्न रख के भी आप बेचते हो तो वो मुनाफा हो गया सीधा 15 रुपये, 10 कॉर्न पे आपको 15 रुपये मुनाफा मिलेगा। तो ऐसे आप ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आप मार्केट में फिरते हो, घूमते फिरते हो, और आप
100 पैकेट भी अलग अलग शॉप पे, अलग अलग कॉस्मेटिक शॉप पे, किराना शॉप पे, आपने मॉल में, या तो आपका बहुत ही बड़ा कोई डीलर मिल गया है, आपको होलसेलर मिल गया है, उसको पूरे दिन में 100 पैकेट भी आप बना लेते हो और उसके सामने 100 पैकेट आप बेच देते हो, तो 15 के हिसाब से 15 × 100 यानी कि 1500 रुपये आप एक दिन का कमा सकते हो। चलो छोड़ दो, आप नया बिजनेस शुरू किया है और आप ये सोच रहे हो कि इतना बड़ा नहीं हो सकता है, तो 1500 नहीं, चलो 50 पैकेट तो आप बेचोगे। 50 पैकेट बेचने के हिसाब से हुआ 750 रुपये एक दिन का, समझ रहे हो आप मेरी बात, 750 रुपये। और उसको आप 30 दिन के हिसाब से देखने जाओगे तो भी आप 30,000 से 40,000 रुपये तो आराम से कमा सकते हो इस बिजनेस से। अगर आपने नया शुरू किया है और धीरे धीरे स्केल कर रहे हो तो भी आपको 20,000 से 30,000 से 40,000 रुपये तो कमाने से कोई नहीं रोक सकता इसी बिजनेस से। तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसकी सीजन तो अभी चल रही है, उसके बाद में जो ठंडी होती है, ठंडी के मौसम में भी लोग शादी करते हैं, तो उसमें आपका कौन जाएगा, उसके सिवा कोई भी और फंक्शन आता हो, फेस्टिवल आता है, उसमें भी ये मेहंदी के कौन सब अपने हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए यूज करते हैं, उसके सिवा हर कोई इंसान के जो ये बाल है वो सफेद तो होने ही वाले हैं, ठीक है, तो उसको काले रखने के लिए भी या रेड कलर के करने के लिए भी लोग वो मेहंदी का यूज करेंगे। तो आप कॉन भी बना सकते हो, पाउच भी बना सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो और आपका अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। ये दो तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हो और 20,000 से 30,000 रुपए अगर आप छोटा सा बिजनेस पहले से शुरू करते हो बिगनर तौर पे से और 2-3 महीने आपका मार्केटिंग अच्छा करते हो तो 20,000 से 30,000 तो आप इसी बिजनेस से कमा लोगे। तो ये जो मेहंदी के कौन का बिजनेस था उसके बारे में मैं डीपली वीडियो इसीलिए लेके आया था क्योंकि ये जो बिजनेस है वो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में देखने जाओ ना तो 7,000 से 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 15,000 में ये बिजनेस शुरू हो सकता है। उसका रॉ मटेरियल लाओगे, उसका जो सीलिंग मशीन लाओगे वो दोनों लाके आप अपने घर पे करके उसका लेबर कॉस्ट सब मिला के आप देखने जाओगे तो 10,000 से 15,000 में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और उसके बाद में स्केल करते करते 4 से 5 या 6 महीने बाद आप देखोगे तो 20,000 से 30,000 रुपये आप इससे कमाओगे। और मैं तो ये मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ, पर उससे अच्छा आपका मार्केटिंग रहा तो आप 50,000 तक भी कमा सकते हो 6 महीने बाद। और उसके बाद में आप जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे आपका जो मार्केट बढ़ेगा और मार्केट बढ़ेगा उससे हिसाब से आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो बस ये वीडियो आपको इसीलिए मैं लेके आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों के साथ में, अगर कोई आपके आसपास में बिजनेस करना चाहता है पर उसके पास में कोई आइडिया नहीं है तो ये स्वदेशी बिजनेस आइडिया की जो चैनल है या तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको उसके साथ में शेयर करिएगा, जिससे हमारे इस चैनल पे हमने अभी तक 70 से ज़्यादा वीडियोस हमने एड पब्लिश किए हैं जो अलग अलग स्मॉल बिजनेस आइडिया है, तो वो ये जो वीडियोस है वो देख सके और उससे कोई भी एक आइडिया लेके वो अपना बिजनेस शुरू कर सके और अपना खुद का भी गुजरान अच्छे तरीके से चला सके। इसीलिए ये वीडियो उसके साथ में शेयर भी करिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहे। बस इसी के साथ में ये पूरा वीडियो मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।